अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम आए हुए हैं हुरिया की नानी के घर। तो आज इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा कि जो इनका पहले घर था जहाँ पर ये रहते थे, तो आज हमने सोचा कि आज हम आपको वो घर भी दिखाएंगे जहाँ पर हुरिया की अम्मी और उसकी नानी जहाँ रहते थे। तो ये तो उसने कहा है बेगम साहब ने कि आज मैं जो है ना अपना पुराना घर दिखाना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को। तो एक बात और कि आप नीचे कमेंट्स करके बता रहे थे कि आपने जो फार्मूला बनाया है दूध का हुरिया के लिए वो ठीक नहीं है। तो अगर आप में से कोई जानता है, हमें तो डॉक्टर ने ऐसे भी कहा है ना कि एक नंबर पर एक चम्मच डालनी है और दो नंबर पे दो चम्मच फीडर पे जो नंबर लगे होते हैं। तो अगर आप का कोई और फार्मूला है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, शायद हम गलत बना रहे हों, लेकिन हमें डॉक्टर ने ऐसे ही कहा था। तो इंटरेस्टिंग व्लॉग है। तो हुरिया भी मेरे साथ ही है। अभी हम यहाँ पर इनके जो देख रहे हैं कि घर, इस घर में खड़े हैं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं तो वो घर साथ में ही है जहाँ पर ये पहले रहते थे। तो हुरिया सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हुरिया ये सब्जी देख रही है। हाँ सब्जी देख रही है। तो अभी हम आ जाए हैं तो तकरीबन 3-4 दिन बाद आ जाए हैं हम यहाँ पर। तो क्योंकि ये हुरिया जो है ना, इसको इसकी जो खाला होगी ना, तेरी जो बहनें होगी, क्या होगी, खाला, इसकी जो खाला है ना, तो उनको जो है ना हुरिया की बहुत याद आती है। तो इसलिए उन्होंने हमें कहा है कि आज हमें इसको मिलवाने के लिए ले आओ। तो आज हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मैं अम्मी के घर आई हुई थी, तो यहाँ पर तो मैं अक्सर आती रहती हूँ। जो मेरा पहला घर था ना अम्मी का, तो वहाँ मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, तो वहाँ ज़रूर जाती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ पर ये खेला कूदा करती थी और हमारी जगह भी बनी हुई थी, कुछ जगह बनी हुई थी, कुछ हमने वहाँ से जो ईंटें वगैरह ले आए थे तो सामान वगैरह ले आए थे। एक कमरा बना हुआ है, वो भी आपको दिखाएँगे, क्योंकि वो हम सारा साथ हमारे हमसाए रहते थे तो उनको दे दिया था कि वो भाना वगैरह बना लिया उन्होंने, तो वो भी आपको बताएँगे कैसे मैं वहाँ रहती थी, खेलती कूदती थी। क्योंकि यहाँ जब आए थे ना, 2-3 साल बाद मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ पर ही गुजरा था। हाँ, तो अक्सर मैं वहीं रहती थी, तो मुझे स्कूल जाती थी तो वहाँ से जाती थी, जो घर का काम वगैरह, तो मेरी जो छोटी छोटी सिस्टर होती थी उन्हें उनका ख्याल करना, और बहुत मज़ा आता था वहाँ। हमारे खेला कूदा करते थे, तो साथ हमारा बोर भी होता था जहाँ हम नहाते थे और वहाँ कपड़े वगैरह भी धोते थे। तो वो भी आपको दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे। बोर तो अब नहीं रहा, नहीं रहा, तो क्योंकि वहाँ जो कुआं है ना वो पड़ा हुआ है। हाँ, वो कुआं दिखाएंगे। हाँ, कुआं दिखाएंगे आपको। तो मेरा चले पहले वाला घर है ना, वो बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि चले आप खूबसूरत है, लेकिन यहाँ तो आप रही नहीं है ना। आप यहाँ तो मैं इतना नहीं रही, क्योंकि मैं यहाँ 2 साल तकरीबन रही होंगी जब मेरी शादी होगी। चले चले चले। तो मैंने वहाँ अपना जो है ना जिंदगी गुजारी है। तो अभी हम जो है ना जा रहे हैं वहाँ पे, वो सामने है, वो सामने घर देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम जाएंगे। देख रहे हैं ये आपी और इब्रार का, तो ये इसकी अम्मी का, ये साथ साथ ही हैं, सब रहते हैं क्योंकि जमीन इकट्ठी है। तो ये मेरे चाचू लगते हैं, ये मेरे इब्रार के जब्बू है मेरे चाचू लगते हैं, जो आप ही के मियाँ हस्बैंड वो भी मेरे चाचू लगते हैं, और तो ये इनका बड़ा भैया है, मेरा अबू जो है ना इनका बड़ा भैया है। पर भी है ना हमारी जमीन है। हाँ, वहाँ पर जो है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मेरी जहाँ पर जमीन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरी अम्मी, आपकी जमीन कैसे हुई आप बताएं ना उन्हें तफसील से। भाई वो मेरी अम्मी के हिस्से में जो आई थी, मेरे मामू है ना ये सब, हाँ, तो वो जमीन मेरी पड़ी है वहाँ पे। वो मेरी दादी अम्मा की जो जमीन है वो वहाँ पर पड़ी हुई है इनके घर। तो वो तो तफसील अगर बताए ना, बैठ के बताए ना, तो तफसील उन्हें समझ आएगी कि जो मेरी अम्मी है ना उसकी जमीन यहाँ पे है, और जो इसकी दादी, जो इब्रार की दादी, उनकी ज़मीन वहाँ पे है। तो ये वो काश्त करते हैं, उधर वाली हम करते हैं। इनका जब शादी हुई थी ना, वट्टा सटा हुआ था ना, इसी वजह से। पी खड़ी है,
तो अभी हम जा रहे हैं इधर। ये आप घास देख रहे हैं ना, इस घास से जो वो जो दरख्त नज़र आ रहे हैं वो सामने वाला प्लाट हुरिया की नानी का है और जो हुरिया के नाने का, ये इब्रार की ज़मीन है और ये भी इब्रार की है और वो जो है ना आपी का है रकबा, एक एकड़ आपी का और एक तुम्हारा हो गया उसमें से, हाँ इसमें से एक एकड़ आपी का है वो परली साइड वाला और ये जो है इनका हो गया। बता देना मैं घेर पड़ाऊँ यहाँ पर क्या हो गया है। ये बात ये जो बग देख रहे हैं ये बेगम साहबा के हैं। ऐसे है ना, ये बग जो है ना आपके नहीं है, हैं? अच्छा भाई ये जो कुआं देख रहे हैं ना यहाँ पर मैं बहुत ही ना आया हूँ, ये सामने अब तो खत्म हो गया है, अब तो वो सोलर सिस्टम लग गया उधर मामू का, ये मेरे सारे मामू का जो है ना मुश्तरका हुआ करता था कुआं, ऐसे है ना, हाँ इनका जितना जमीन है ना यहाँ पर जितने ये रहते हैं ये देख रहे हैं सबके, ये मुश्तरका था। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा नहाया करता था जब छोटा हुआ करता था, अम्मी के साथ आता था ना, हाँ ये बहुत ज्यादा था, अब तो खत्म हो गया। यहाँ पर लाइट तो होती नहीं थी, जब गर्मियाँ होती थी मैं तो बोर से निकलती भी नहीं थी। ये देखें कि ये यहाँ पर कुआं हुआ करता था यहाँ पर, आज हम आपको पूरा विजिट करवाएंगे। यहाँ से जो है ना आगे खाला था पानी जाया करता था और यहाँ पर जो ना उन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पर हम नहाते थे और पानी जहाँ पर बोर का गिरता है वो अब तो ख़त्म हो गया, अब तो उन्होंने यहाँ पर फुल जो है ना वो मिट्टी डाल दी है, एकदम जो है ना आप ही की है तो। और वो जो है ना इन्होंने एकड़ के हिसाब से तकसीम की हुई है, किसी का यहाँ पर एक एकड़ है किसी के दो हैं, ऐसे है ना। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो ये वो कमरा था, एक साथ में भी था इस साइड पे, अब वो तो ख़त्म हो गया। इस साइड पर एक कमरा था तो आगे एक वो जो किचन होता है वो भी था तो आग जलाने के लिए, तो वो तो ख़त्म हो गया ना। तो ये एक कमरा बचा हुआ है, ये इनको दे गए थे साथ में जो रहते हैं इनके जो रिश्तेदार, वो मेरे अब्बू की दादी थे तो उन्होंने कहा तो हम आपको सामान दे दें, उनका भाड़ा पीछे था तो उन्होंने कहा आपको सामान दे देते हैं उनका, तो ये हमारे घर के नज़दीक है तो ये रहने दें, तो ये रहने दिन उन्होंने, ये था भी कच्चा अंदर से, ये देख रहे हैं आप कच्चा था तो हमने प्लास्टर करके इसे कलर करवाया था रंग। दो कमरे थे यहाँ पे, ऐसे खिड़की हो जाती थी अक्सर, यहाँ से जाती थी और आती थी, यहाँ पर साथ दोस्त रहती थी, उसकी भी शादी हो गई है, हाँ उनका ये घर साथ में ही है। अब तो उन्होंने जगह वगैरह खोड़ी है, ईंटें वगैरह उठाया है तो इनका ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दीवार होती थी तो यहाँ पर हमारे जानवर रहते थे पहले, हाँ जानवर वगैरह, अब तो दरख्त हो गया है, पहले जहाँ अम्मी मेरे के जानवर होते थे बहुत सारे होते थे, अब तो थोड़े से हैं, पहले बहुत सारे होते थे, मक्खन भी खाते थे और क्योंकि मक्खन हाथ से निकालते थे बहुत मज़ा आता था यहाँ, तो अब तो मक्खन भी नहीं रही और कुछ भी नहीं रहा, तो वहाँ दूध होता तो है लेकिन ये नलका भी है, नलका तो उस वक्त का ही है, मश्तर का नलका होता था ये, यहाँ लाइट तो अभी तक नहीं है ना, ये देखें अभी दीवारें ये गल चुकी हैं बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, तो यहाँ पीछे से पहले बहुत तैयारी होती थी, यहाँ खेलते थे यहाँ गोलियां वगैरह और जो होते हैं ना। तो अभी हम जो है ना वापस आए हैं तो अंधेरा हो गया क्योंकि हमने एंड नहीं किया था वीडियो का, तो अभी हम आए तो हुरिया तो रास्ते में ही सो गई थी मोटरसाइकिल पर, उससे नींद आ गई, अभी सोई भी है, तो बेगम साहब भाई अपनी रिपोर्ट बना रही है मंथली वीडियो का, ये रिपोर्ट नहीं, ये रोजाना का जो काम होता है ना, अच्छा डेली रात पर हम लिख आते हैं तो फिर रात बैठकर इसे लिखते हैं असल पर, अच्छा रात पर रिपोर्ट कल में, हां डेली का जो करते हैं ना काम वो रजिस्टर पे दर्ज करना होता है, तो रिपोर्ट जो है ना मंथली की मंथली एक देनी होती है, तो काम डेली का करना होता है। तो वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा ब्लॉग है आप सब एंड वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।